रोहतास जिला पुलिस मुख्यालय डेहरी के अब्दुल कय्यूम अंसारी नगर भवन में सनातन सांस्कृतिक चेतना परिषद की ओर से अभिनंदन समारोह शव व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद जगतगुरु स्वामी रंगनाथाचार्य महाराज ने हनुमान चालीसा का पाठ कराया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता अजय ओझा ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजेश्वर राज, पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया, पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह यादव समेत अन्य मौजूद रहे। चाचा भतीजे की जो सरकार है वो जो 82% उनके हिसाब से 82%, मेरे हिसाब से 85%, जो हिंदू है उसको जातियों में बांट करके, जातियों को उप जातियों में बांट करके और हिंदू समाज को खंडित किया जा रहा है। और मैं हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए, और सनातन में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, जो हरि को भजता है, जो भगवान को में भक्ति रखता है, जो धर्म को, जो सनातन को मानता है, सब एक है, सब ऋषियों की संतान है। कर्म के आधार पर उनको वर्ण में विभाजित किया गया है और ये लोग वोट की खातिर समाज को विभाजित कर रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम ये जो हमारी हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हिंदू की शक्ति है, उसको बटने नहीं देंगे, खंडित नहीं होने देंगे। और हमारे देश का जो सनातन संस्कृति है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है,